ये इधर कौन सोया हुआ है, ये चेक कर। अच्छा यहीं पे रखना है, मैं ज़रा इसको ज़रा मिल के आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक हो? कितना क्यों सोते भाई? बस सर, काम कारोबार के लिए। काम कारोबार आस्ते ते काम के करें दे? काम कबाड़ दे। कबाड़ दा? ते तुसी हो पिंडी दे हो? कितों दे हो? मुल्तान दे। मुल्तान दे हो? रहंदे कितने हो? रहंदे पास जिधर जगह मिले सब से हो। ते बच्चे कितने? तीन बच्चे। अच्छा अगर आज तुसी साढ़े नाल चलो, असी तुहानू जरा एक जेंटलमैन बना दईए। जेंटलमैन बना के तुहानू छोटा जिहा अपना काम कारोबार बना दईए, ताकि थोड़े कबाड़ ते इस तरह की हालत जान छुट जाए, तो साढ़े नाल चलोगे? आओ साढ़े नाल, साड़ी गड्डी सामने खड़ी है। ठीक है, गड्डी जुलदे हैं ते इंशाल्लाह फिर साढ़े नाल आ जाओ। तुसी आज साढ़े नाल हो, ठीक है? हाँ, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक साढ़े नाल है। ठीक है, आओ बिस्मिल्लाह। आओ आओ, नहीं नहीं आज तुसी साढ़े मेहमान हो, मेहमान। चले जा रहे। परेशान तो नहीं हो? नहीं नहीं सर। हाँ, खुश रहना है, खुश रहना है। अफजल भाई, ये अफजल भाई जो है, मैंने इनसे पूछा है तो उन्होंने कहा है जी मेरा बेटा भी है, और उस बेटे को नहीं पता कि मैं यहाँ किस हालत में हूँ, और किस हालत में उनकी माँ को मैं अपने वतन पे छोड़ के यहाँ पर देश काट रहा हूँ। तो हमने अफजल भाई से कहा है कि आपने परेशान नहीं होना, हम ही आपके बेटे हैं, हम ही आपके भाई हैं, और इंशाल्लाह आप हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, तो किसी सूरत हम इंशाल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। अफजल भाई आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई, क्या हाल हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये हमारे अफजल भाई हैं, और इनको आज हमने ना सही हैंडसम बॉय बना देना। ठीक है, तो कहाँ पे बिठाएं इनको? आएंगे सर। अस्सलाम वालेकुम, इधर बैठे हैं। ठीक टोपी भी ला दो। हाँ जी, इनके जरा फिट से इनको जरा पप्पू सा हीरो बनाने हम। ठीक है, जी जी लगाए इनके बाल जितने भी प्यारे हो सकते हैं ना जी, मतलब कि अगर ब्लैक हो सकते हैं तो ब्लैक कर दें, ताकि ये यंग लगे थोड़े से। हाय हाय अफजल भाई, बड़े पप्पू लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं। अखा थोड़ी देर बंद कर लो। बिल्कुल यस करने से माशाल्लाह। अफजल भाई कैसे हीरो लग रहे हैं ना हमारे? अफजल भाई माशाल्लाह हीरो लग रहे हैं, माइकल जैक्सन बना रहे। खुश हैं? इजी हैं?
बस मुस्कुराते रहना है आपने। कैसा लग रहा हूँ अच्छा अफजल भाई पैंट शर्ट पागिन दे वे पैंट शर्ट भी पागिन सी अच्छा वेरी गुड यार बस बात अब हम इंशाल्लाह जेंटलमैन बना रहे हैं ठीक है मतलब कि आप पैंट भाई जो कह रहे हैं भाई के कहने का मतलब है कि ये पैंट शर्ट भी पहन लेते हैं हम पहले सोच रहे थे कि ये पत्नी सिर्फ शलवार कमीज पे इत्तेफाक करेंगे आज अली किधर गया ऊपर गए अच्छा ये सामान है कुछ ये यहाँ पे रखें ये हमारे दोस्त की शॉप है यहाँ पे हम ये भाई का सामान रखते हैं अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई अस्सलाम वालेकुम क्या हाल हैं ठीक है ये हमारे फ्यूचर बिजनेसमैन अफजल भाई अच्छा इनके लिए हमें एक अच्छी सी पैंट और एक अच्छी सी शर्ट दिखा दें इनकी वेस्ट देख लें 29-30 वेस्ट है इतना तो मुझे आइडिया है ये देख लें डेनिम में प्योर हाँ बस हाई क्वालिटी हमें चाहिए हाई क्वालिटी प्रीमियम क्वालिटी के साथ अच्छा माशाल्लाह ये चेक कर लें लाइट रेनिंग के साथ बेहतरीन डेनिम है स्टफ की कलर की फैब्रिक की वॉशिंग की गारंटी है अच्छा इन तीनों में से कौन सा कलर अफजल भाई ज़्यादा अच्छा है कलर तो तीनों अच्छे हैं जी आपको कौन सा ज़्यादा पसंद है ठीक है जी लाइट कलर जी लाइट कलर गुड यार ये हो गई हमें शर्ट्स भी दिखा रहे हैं आए अभी अफजल भाई को ट्राई कराएंगे ना स्वेटर का स्वेटर है शर्ट की शर्ट है कमीज की पहनोगे कमीज है शर्ट की जगह पहनोगे शर्ट ये बेस्ट हो गया ये हमारे उसामा भाई का ना ऐसा स्टोर है जो किसी को नहीं पता होता ज़्यादातर इनका सामान आउटलेट्स पे होता है लेकिन हम स्टोर पे इसलिए स्पेशल आए हैं कि यहाँ पे हमें हर किस्म की वैरायटी मिलेगी तो उसामा भाई को हमने स्पेशली कहा था कि हमारे अफजल भाई के लिए स्पेशल जो माल है ना वो निकाल के रखना है ट्राई रूम इसने ट्राई करें आप आएँ आप जाए अंदर ट्राई भी करें अपनी पैंट लें यहाँ चेंज करें इजी होके चेंज करें हीरो बन के बाहर आना है आपने अफजल भाई दी ग्रेट लग रहे ना भाई बिजनेसमैन लग रहे हैं ना ठीक है ना ये अफजल भाई हमारे फ्यूचर के बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह यार कितने हैंडसम लग रहे हैं जिंदाबाद ये शर्ट पूरी है पैंट पूरी है कोई खुली डुली तो नहीं है चलें जी गुड हो गया बेस्ट हो गया अफजल भाई आपके लिए उसामा भाई ने स्पेशल कहवा मंगवाया पहले हम यहाँ पे कहवा पियेंगे फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे ठीक है पहले आप हमें थोड़ा सा चल के दिखा दें आप लग बिस्मिल्लाह बैठे हैं आप बैठे हैं इधर बैठे हैं आप आज हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं भाई ये ना ना ऐसे ऐसे टेक लगा के जिंदाबाद खैरियत से ये हमारे अफजल भाई कमिंग अप बिजनेसमैन ये बहुत खुशी हुई है जी ये देख के कि आप माशाल्लाह इस तरह के लोगों को स्टैंड दे रहे हैं ये जरा ट्राई करें ओए होए 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 लेवल हो गया ओके करें ये पास रखें हजार दा सा फ्रूट गिनना है और शाम तक का सब कुछ ही हजार दा हर सूरत इज बेच इंशाल्लाह हाथ खोलो जरा हाथ खोल के एनक लाओ अफजल भाई बिस्मिल्लाह करें अफजल भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपका आज का दिन कैसा गुजरा बहुत अच्छा जी दिलेरों की तरह बोल रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ठीक है ना दिलेरों की तरह आपने अपने आप को इस मुआशरे का ना
पिसा हुआ तबका दोबारा नहीं समझना है, ठीक है। हमने जो बिज़नेस प्लान किया है भाई के लिए, वो प्लान ऐसा है कि इंशाल्लाह कल से भाई फर्स्ट टाइम जो है वो मंडी जाएंगे, जाएंगे हम इंशाल्लाह, वहाँ से हम फ्रूट उठाएंगे और शाम को हम अपने प्रॉफिट के साथ बेच के अपने घर जाएंगे, ऐसा ही है इंशाल्लाह ताला। और जो इनका बेटा अगर वो वीडियो देख रहा है तो उससे मैं यही कहूँगा कि माँ बाप जो होते हैं ना वो दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होते हैं। क्या फ़ायदा आपकी ज़िंदगी का कि आपके ज़िंदा होते हुए आपका जो वालिद साहब है वो आज फुटपाथ पे था। तो अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जल्द वापस आए और आके अपने अम्मी और अब्बू को मिले, ठीक है। औलाद जैसी भी हो माँ बाप को बहुत प्यारी होती है।